ये गाइस देख लेते हैं कल की वीडियो के कुछ कमेंट्स। जिंटू पटवारी ने कमेंट किया है, दी मैं आपके वीडियो पर बहुत दिनों बाद कमेंट किया, एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। सुरभि दी के दिवाली व्लॉग में किसी ने कमेंट किया था जिसमें डायरेक्ट मोहक सुरभि का मेंशन था। उस कमेंट में लिखा था कि अगर मोहक सुरभि साथ नहीं आ रहे हैं देन ऑब्वियसली कोई बड़ा रीज़न होगा, एंड अगर सुरभि दी मूव ऑन करना चाहती है देन कोई उसे फोर्स ना करे। एंड आगे इन्होंने यहाँ लिखा है कि सुरभि ने उस कमेंट को लाइक भी किया है, तो हाँ ये बिल्कुल सही बात है। एंड आप लोगों को मैं वो कमेंट भी दिखा देती हूँ। कमेंट है, मोहक सुरभि अलग हुए हैं तो कोई बड़ा रीजन होगा, तो इफ शी हैज मूव्ड ऑन इन हर लाइफ देन वी शुड नॉट रिमेन हर अबाउट हर पास्ट एंड सपोर्ट हर इंस्टीड। तो गाइज यहाँ पर सुरभि ने इस कमेंट को लाइक भी किया है, तो गाइज इस कमेंट के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि सब कुछ ओवर हो चुका है। एंड यहाँ पर मोहक एंड सुरभि दोनों मूव ऑन करना चाहते हैं। एंड ये बात गाइज हम लोग जितना जल्दी समझ लें वो हमारे लिए अच्छा होगा। एंड मुझे नहीं लगता कि गाइज हम लोग जब मोहक के बर्थडे का वेट कर रहे हैं तो उस दिन कुछ होने वाला है या फिर उस दिन मोहक सुरभि मिलने वाले हैं, यहाँ मुझे नहीं लगता। एंड ऐसा ही एक कमेंट और था जिसको कि सुरभि ने लाइक किया है, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। दिस रिलेशनशिप प्रूव डेट नो वन कैन लव अ गर्ल मोर देन हर पेरेंट्स, सब दुनिया मतलब की है, जब तक जरूरत हो तो तब तक ही साथ रहते हैं। एंड इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं गाइज जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सोहा के फैन पेजेस की है, जो कि गाइज मैं यहाँ पर आपको नाम तो नहीं बताऊंगी कि ये फैन पेज कौन सा है, बट मैं यहाँ पर बता देती हूँ। इन्होंने कुछ स्टोरीज डाली थी। इम्पोर्टेंट नोटिस, हेलो गाइज, आई नो यू ऑल आर वेटिंग फॉर सोहा एंड ट्राइंग टू फाइंडिंग व्हाट्स हैपनिंग, सो जस्ट लेट्स फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एंड वी ऑल आर स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ इनका पूरा नोट, इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि अगर आप लोग सोहा वेट कर रहे हैं एंड ट्राई कर रहे हैं ये जानने की कि उनके बीच में क्या हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ भूल जाना चाहिए एंड एक नई शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि गाइज अगर वो दोनों ही मूव ऑन करना चाहते हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते। एंड यहाँ पर ये यही, एंड इन्होंने यहाँ पर अपने फैन पेज का नाम भी बदल लिया है, सोहक कुछ करके इनका नाम था तो उसको भी बदल कर इन्होंने चेंज कर लिया है। एंड ऐसे ही कुछ और फैन पेजेस भी है गाइज जो कि अपना नाम चेंज कर रहे हैं एंड अपनी थीम भी चेंज कर रहे हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि ये सोहक के एडिट्स भी बनाते रहेंगे बट अदर क्रिएटर्स एंड बॉलीवुड से रिलेटेड भी इनके एडिट्स आते रहेंगे, तो आप इनको जैसे पहले सपोर्ट करते थे वैसे करते रहना। एंड इन्हीं के साथ कोलैब करने वाले एक और फैन पेज ने भी यहाँ पर ऐसा ही सेम नोट लिखा है हमारे लिए, तो आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं पॉज करके। एंड गाइज यहाँ पर इन दोनों ही फैन पेज ने यही लिखा है कि ये अपना थीम चेंज कर रहे हैं, यानी कि अब ये सिर्फ सोहा की वीडियो नहीं बनाएंगे, ये अदर क्रिएटर्स के एंड बॉलीवुड से रिलेटेड सारी काफी सारी एडिट्स बनाएंगे। तो हाँ गाइज यही न्यूज थी जो कि मैं आपको बता रही थी, थोड़ी सी सीरियस न्यूज है। एंड यहाँ पर ये सारी चीजें देखकर अब आप लोगों का क्या सोचना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। देन आइए देख लेते हैं आगे के कुछ कमेंट्स। VGVH ने कमेंट किया है, इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, हम सबको ये सच मानना पड़ेगा और देखना कुछ दिनों बाद ये एक दूसरे का अनफॉलो भी कर देंगे, सो सेड। तो हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। एंड गाइज आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जैसे सलोनी एंड आयुष ने अब एक साल बाद एक दूसरे को अनफॉलो किया है, ऐसे ही सोहक भी कर देंगे धीरे धीरे, क्योंकि इन्होंने हैशटैग सोहक को तो अनफॉलो कर ही दिया है। एंड गाइज अब आप लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि इन्होंने फिर सोहक के फैन पेजेस को क्यों फॉलो किया हुआ है, तो गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ इन दोनों ने ही सोहक के फैन पेजेस को फॉलो किया हुआ है, बट उन फैन पेजेस को फॉलो किया हुआ है जो कि सोहक के अलग अलग एडिट्स बनाते हैं, यानी कि मोहक के अलग एडिट्स बनाते हैं, सुरभि के अलग एडिट्स बनाते हैं, इन दोनों को अलग अलग सपोर्ट करते हैं, बट जो फैन पेजेस सोहक के साथ में एडिट्स बनाते हैं उनको ये फॉलो नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं। एंड ऐसे ही एक दो फैन पेजेस की स्टोरी अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताई है। प्रतीक्षा ने कमेंट किया है, कमेंट वीडियो अपलोड करो, सोहक वेटिंग फॉर अपलोड कमेंट वीडियो। तो हाँ बिल्कुल गाइस, कल भी मैं कमेंट वाली वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी बट आज मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की। रुकेश शेख ने कमेंट किया, मिस यू सोहक। एकता ने कमेंट किया, हैप्पी भाई दूज टू ऑल। नम्रता ने कमेंट किया, हाय दीदी, सुरभि मोहक का ब्रेकअप हो गया है क्या, प्लीज बताओ। तो हाँ गाइज आज की स्टोरी देखकर लगता है कि इनका ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि दोनों ही मूव ऑन करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर दोनों अब कभी साथ में आएंगे। एंड हो भी सकता है कि ये साथ में आए, जैसे सलोनी एंड आयुष आए थे फैंस की रिक्वेस्ट पर, तो हो भी सकता है कि फ्यूचर में ये हमें साथ में एज अ फ्रेंड देखने को मिले। माही ने कमेंट किया, दी सुरभि दीदी ने हैशटैग सोहक को किस मंथ में अनफॉलो किया था, तो इसी मंथ में किया था। एंड अगर आप मेरी वीडियो देखती होंगी तो आपको पता होगा कि किस दिन किया था। माही ने अगला कमेंट किया, दी उनका ब्रेकअप हो चुका है तो। नम्रता ने कमेंट किया, हाय दीदी, सुरभि कल नाइट को पीहू के साथ घूमने गई थी और मोहक भी गए थे। एंड सुरभि अक्सर उसी होटल में वीडियो बनाया था जिस होटल में पीहू के साथ कल रात को गई थी। सुरभि कॉफी में हार्ट वाला इमोजी भी था एंड स्नैपचैट पर उन्होंने स्टोरी भी डाली थी, और मोहक और सुरभि कल बहुत ही खुश थे, प्लीज रिप्लाई मी। तो गाइज इस कमेंट का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मोहक अपने होम टाउन हिसार हरियाणा में है एंड सुरभि दिल्ली में है, एंड सुरभि पीहू के साथ गई थी। मुंजन ने कमेंट किया, आई जस्ट थिंक दैट एवरीवन नीड्स सम ब्रेक फ्रॉम रिलेशनशिप फॉर सम टाइम, सुरभि एंड मोहक का भी सेम यही लग रहा है, दे बोथ मिसिंग ईच अदर। एंड ऑन मोहक्स बर्थडे
वी हैश टैग सोहक फेम सी देम टुगेदर, तो मुझे नहीं लगता गाइस यहाँ पर कि ये दोनों साथ में देखने को मिलेंगे मोह के बर्थडे पर। वीडीवीएच ने कमेंट किया है, पता नहीं चल रहा है कि अगर इन दोनों का ब्रेकअप हो गया हो तो सुरभि दी की दिवाली रील्स और फोटो को मोह के मम्मी पापा ने क्यों लाइक किया है। पता नहीं चल रहा है कि दोनों ने हम सबको पागल कर रखा है। तो गाइज मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि धीरे धीरे टाइम के साथ हमें चीजें क्लियर होंगी एंड इस चीज का भी हमें आगे फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। श्रुति ने कमेंट किया थैंक्स दी अपडेट वीडियो देने के लिए, तो वेलकम श्रुति। श्रुति ने अगला कमेंट किया है मोहक सुरभि का हर व्लॉग अच्छा रहता है, मैं तो इन दोनों की फैन हूँ, मिस यू मोहक सुरभि। श्रुति ने अगला कमेंट किया है वी वांट सोहक बैक। अरुण पटेल ने कमेंट किया दी सुरभि दी के व्लॉग में व्यूज बहुत कम है, तो हाँ गाइस सुरभि के कल वाले दिवाली व्लॉग में काफी कम व्यूज है एंड इस बार इनका व्लॉग ट्रेंडिंग पर भी नहीं आया था। रेशमा खातून ने कमेंट किया जैसे भी हो बस ये दोनों वापस आ जाए, प्लीज कम बैक सोहक। कॉम्बी पमुंडा ने कमेंट किया मिस यू सोहक प्लीज कम बैक। निरुपमा ने हार्ट वाला इमोजी शेयर किया है। दानी शेख ने कमेंट किया हाय दी तो हेलो। अनम ने कमेंट किया थैंक्स दी अपडेट देने के लिए, वेलकम अनम। आसिफ खान ने कमेंट किया दी मोहक भाई तो मूवी देखने गए थे अपने मम्मी पापा के साथ, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि गाइस मोहक अपने घर से काफी दूर रहते हैं तो जब भी वो जाते हैं तो अपने मम्मी पापा के साथ मूवी देखने या डिनर करने जरूर जाते हैं एंड इस बार भी गए थे। आसिफ खान ने अगला कमेंट किया है पीहू ने अपने दिवाली शुरू दी के यहाँ सेलिब्रेट करी है, बहुत मस्ती भी करी है, तो बिल्कुल एंड जब भी ये सारी फ्रेंड्स साथ में होती है तो बहुत ज्यादा मस्ती करती है, लेकिन मस्ती देखने में काफी ज्यादा मजा भी आता है। श्रुति ने कमेंट किया है मोहक सुरभि जल्दी आएंगे क्योंकि अब मोहक का गुस्सा कम हो गया है, ज्यादा दिन तक वो गुस्सा नहीं रह सकते शुरू से। आशा दी ने कमेंट किया थैंक यू दी आप कैसे हो, हैप्पी भाई दूज मेरी क्यूट क्यूटेस दी, तो थैंक यू सो मच आशा एंड आपको भी हैप्पी भाई दूज। पूनम ने कमेंट किया हाय दी कैसे हो आप, गुड मॉर्निंग, तो मैं अच्छी हूँ पूनम, आप बताना आप कैसी हैं। नीलू सिंगरोल ने कमेंट किया मुझे नहीं लगता कि मोह के बर्थडे पर सोहक मिलेंगे, तो हाँ गाइज बहुत कम चांसेस है कि मोह के बर्थडे पर सोहक मिलेगा। निरुपमा ने कमेंट किया आपका इंस्टा आईडी क्या है, तो आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा इंस्टा आईडी मिल जाएगा, आप लोग वहां से जा सकते हैं। मैंने कमेंट किया हाय दी कैसे हो, सॉरी दी मैं 2-3 दिन से कमेंट नहीं कर पा रही थी बिकॉज मेरे घर पे नहीं थी, लेकिन अब हर रोज कमेंट करूंगी पक्का। तो सबसे पहले तो कोई बात नहीं कि आप कमेंट नहीं कर पा रही थी एंड थैंक यू सो मच कि अब आप कमेंट करेंगी। लूसीदास अधिकारी ने कमेंट किया दी ये कोइंसिडेंस नहीं दिल का मिलना है। आसिफ खान ने कमेंट किया दी दोनों की ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है लुक भी। अनम ने कमेंट किया थैंक्स दी अपडेट देने के लिए, सोहक जल्दी साथ में आएंगे। गुंजन मुंजल ने कमेंट किया थैंक्स फॉर मेकिंग कमेंट वीडियो, रियली सो मच हार्ड वर्क नीडेड फॉर टेक ईच एंड एवरी स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अप्रिशिएट किया एंड हाँ गाइस काफी ज्यादा टाइम लग जाता है कमेंट वाली वीडियो बनाने में, बट आप लोगों की डिमांड रहती है तो मैं कमेंट वीडियो बना देती हूँ एंड मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में। गुलजार बेगम ने कमेंट किया है सोहक आर इनकम्प्लीट ईच अदर, मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि दोनों साथ हो जाए। रुकैया ने कमेंट किया है कभी कभी बहुत उम्मीद लगती है और कभी कभी लगता है कि बस सब खत्म। आसिफ ने कमेंट किया थैंक्स इतना अपडेट देने के लिए, मोहक और सुरभि का दोनों का एक साथ व्लॉग आ जाएगा तो मैं बहुत खुश होंगी। रेशमा खातून ने कमेंट किया है प्लीज कम बैक सोहक अब आ जाओ। पॉम्पी बर्मुडा ने कमेंट किया दी हर चीज कोइंसिडेंस नहीं होती है, शायद ये दोनों मिल चुके होंगे। रेनू जी ने कमेंट किया दोनों के आउटफिट्स स्पॉन्सर्ड है, तो हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। विभा सिंह ने कमेंट किया हाँ दी सोशल मीडिया पर विश नहीं करने से कुछ नहीं होता है, सुरभि पर्सनली विश कर ही दिया होगा क्योंकि खुशी आज भी सुरभि दी की एडिट्स देखी है, सुरभि आइडल ने डाली थी स्टोरी खुशी ने देखी है। रुकैया शेख ने दुआ वाले इमोजी शेयर किए हैं। मस्कुरा खातून ने कमेंट किया है कैसे हो दी तो मैं अच्छी हूँ आप बताना आप कैसी हैं। आशिफा मिर्जा ने इमोजी शेयर किए हैं। तो बस गाइस अभी की वीडियो में इतने ही कमेंट्स को मैं शामिल कर पाई हूँ एंड जिनके कमेंट्स रह गए हैं अगली वीडियो में मैं उनके कमेंट्स को शामिल करने की कोशिश जरूर करूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, बाय।